दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम कैश बुक या फिर जर्नल बुक में जो जर्नल एंट्री बनाते हैं उन जर्नल एंट्रियों को लेजर बुक में कैसे पोस्टिंग करते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करें कि जब भी हम किसी भी वाउचर को देख के जब उसकी जर्नल एंट्री हम तैयार कर लेते हैं, वाउचर कोई भी हो सकते हैं, तो जो जर्नल एंट्री हम तैयार करते हैं और उस जर्नल एंट्री में हमने जो लेजर तय किए हैं वाउचर को देख के, बाद में इन्हीं लेजर को अपने पर्सनली लेजर बुक में यानी कि अलग अलग लेजर बना के उनकी एंट्री लेजर बुक में कैसे करी जाती है। तो दोस्तों इससे पहले हमने भी किसी भी वाउचर को देख के जर्नल एंट्री बनाई कैसे जाती है ये हमने प्रैक्टिकली सीखा था। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भी अगर आप किसी भी वाउचर को देख के जर्नल एंट्री बना लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भी कुछ जर्नल एंट्रीज को लेकर कन्फ्यूजन है, स्पेशली आपको वाउचर को देख के भी जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, तो आज की इस वीडियो को आप यहीं स्किप कर दीजिए। इससे पहले आप भी वाउचर को देख के हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आज वाला ये जो वीडियो है कि हम जर्नल एंट्री से लेजर बुक में कैसे पोस्टिंग करेंगे ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो वाउचर को देख के जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसको लिंक को ओपन करके देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो भी फुल प्रैक्टिकली रहने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखना, वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप मत करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी जो दोस्त आपके प्रैक्टिकल अकाउंट्स का कोर्स सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर भी पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करना ताकि हमारे आने वाले हर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसी वाउचर से कुछ जर्नल एंट्रियाँ हमने तैयार करी थी और इस वाउचर से हमने दोनों व्यू से देखा था भी इनकी एंट्रियां अगर हम सेल के एंगल से देखें यानी कि श्री श्याम ट्रेडर्स की बुक्स की तरफ से देखें तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, और हम इसकी स्मार्ट एंटरप्राइजेस के व्यू से देखें तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, ये हमने प्रैक्टिकली सीखा था। और अब हम इसको मान के चलेंगे भी ये हमारे बुक्स का परचेज इनवॉइस है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग की शुरुआत हमने करनी है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की शुरुआत करनी है, तो हम इसको एक परचेज इनवॉइस मान के चलेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास परचेज नहीं होगी तो हम सेल कैसे करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे भी हमारी बुक्स है जो स्मार्ट एंटरप्राइजेज है और हमने श्री श्याम ट्रेडर्स से ये कुछ है जो पार्ट्स हमने परचेज किए हैं और उनकी जर्नल एंट्री हमने यहाँ पर बना ली थी। और अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे भी जो जर्नल एंट्री हमने बनाई है और जो लेजर हमने बनाए हैं उनकी एंट्री हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों आपने मैनुअल लेजर देखा होगा, कुछ इस तरीके से लेजर होता है वो, जहाँ पर अकाउंट का नाम ऊपर लिखा होता है, बाद में डेट है, इसके बाद पर्टिकुलर्स है, उसके बाद में डेबिट यानी कि नाम साइड, क्रेडिट यानी कि जमा साइड, या फिर उसका क्लोजिंग यानी कि शेष राशि। तो इसी मैनुअल लेजर को हमने यहाँ पर एक अलग से एक्सेल शीट में इसको तैयार कर लिए, सेम वही डिजाइन है जो आपने अभी इस मैनुअल लेजर की बुक्स में देखा था। तो उनकी एंट्री हम लेजर में कैसे करेंगे जर्नल वाउचर को देख के, जर्नल एंट्री जो हमने करी थी उनको देख के। तो हमने यहाँ से कुछ लेजर तैयार किए, जो लेजर मैंने तैयार किए वो इसी सीरीज के अकॉर्डिंग ही तैयार किए जो हमने जर्नल एंट्री बनाते वक्त स्टार्टिंग से जो लेजर हमने बनाए थे। जैसे कि पहला लेजर हमारा बना था भी कंप्यूटर पार्ट जीएसटी 12% परचेज का, तो ये लेजर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है लेजर बुक में, कंप्यूटर जीएसटी 12% परचेज। अगर हम इसको एक कॉमन लेजर बनाना चाहिए यानी कि परचेज और सेल का अगर हम कॉमन लेजर बनाना चाहिए तो हम यहाँ से इसका जो परचेज वर्ड है वो यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आप परचेज का रिकॉर्ड अलग और सेल का रिकॉर्ड अलग रखना चाहते हो तो आपको परचेज और सेल का अलग अलग लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। तो विशेषकर जो मैनुअल काउंट्स होते हैं उसमें एक कॉमन लेजर ही चलता है, डेबिट साइड में उनकी परचेज आती रहेगी और क्रेडिट साइड में उनकी सेल की अमाउंट आती रहेगी। तो सबसे पहले जो एंट्री हमारी कंप्यूटर जीएसटी 12% परचेज की है और 13,571.43 रुपये ये डेबिट साइड का है, यानी कि परचेज हमारी डेबिट होती है, तो ये हमने डेबिट साइड के कॉलम में लिखा है जब हमने जर्नल एंट्री बनाई थी। तो ये एंट्री हम 13,571.43 रुपये इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे, 13,571.43 रुपये। और यहाँ पर हम लगाएंगे डेट 1 जून 2021। अब बात आती है भी इसके पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे, तो पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे भी ये गुड्स हमने किससे परचेज किया था और उसका इनवॉइस का नंबर क्या है। तो हमने जो गुड्स परचेज किया वो श्री श्याम ट्रेडर्स से किया है और इसका 6554 नंबर इनवॉइस है, इनवॉइस का जो नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे श्री श्याम ट्रेडर्स और इसका आगे हम लिख देंगे यहीं पे भी इसका जो इनवॉइस का जो नंबर है वो 6554 है, 6554। अब उसके बाद में बारी आती है यहाँ पर कैश बुक या फिर जर्नल बुक का जो नंबर है। तो अब हमारे पास ये जो कैश बुक है इसका हम पर्टिकुलर हर कैश बुक का एक पेज नंबर होता है भी आपने। अब ये तो जैसे हमारे पास एक्सेल की शीट है तो यहाँ पर तो अब 1 नंबर 2 नंबर हम लगा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो मैनुअली बुक्स होती है वो उस तरीके से इसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इसका 180 नंबर पेज है, इसके आगे वाला 181 नंबर पेज है। तो कुछ इस तरीके की जो मैनुअल बुक्स होती है उसमें कुछ इस तरीके के नंबर लगे होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है भी ये जो एंट्री आई है लेजर बुक में वो उसके कैश बुक के या फिर जर्नल बुक्स के कितने नंबर पेज से एंट्री यहाँ पर आई है। तो हम एक्सेल को इसको हम कर देंगे यहाँ पे एक बार स्किप कर देंगे और उसके बाद में डेबिट के अमाउंट में लिख देंगे। तो इस तरीके से इस जर्नल एंट्री से हमने एक एंट्री है जो लेजर में पोस्टिंग कर दी है। अब उसके बाद में कंप्यूटर पार्ट जीएसटी 18% का भी लेजर है तो हमने 18% का लेजर भी यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ से कॉमन कर देंगे, परचेज की जो वर्ड है वो यहाँ से हटा देंगे। तो सेम वही अमाउंट डेबिट साइड में चल रही है हमारी, तो 22,033 रुपये 90 पैसे, 22,033 रुपये और 90 पैसे। और सेम वही यहाँ पर डेट रहेगी 1 जून 2021 की। और जो पर्टिकुलर्स में श्री श्याम ट्रेडर्स किससे खरीदा है और उसका इनवॉइस का नंबर क्या है 6554। इस तरीके से हम इनकी डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये हमारी जर्नल बुक की भी एंट्री भी डेबिट साइड में ही है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट लेजर है हमारा कंप्यूटर पार्ट जीएसटी 28% परचेज का और उसकी वैल्यू है 5,468 रुपये और 75 पैसे। तो हम सीट नंबर 3 और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कंप्यूटर पार्ट जीएसटी 28% का लेजर बना हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ से परचेज का वर्ड हटा देंगे और डेबिट साइड में हम लिखेंगे 5468 रुपये और 75 पैसे। सेम वही और बाकी डिटेल 06/2021 का और श्री श्याम ट्रेडर्स इनवॉइस नंबर 6554। नेक्स्ट लेजर सीजीएसटी टैक्स का, तो सीजीएसटी टैक्स का लेजर हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं तो 1/6/2021 का हम इसी को ही कॉपी कर लेंगे। वैसे तो मैनुअल बुक्स में तो ये सब कुछ लिखना पड़ता है लेकिन एक्सेल है तो हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3562 रुपये और 96 पैसा। और इस तरीके से जो नेक्स्ट लेजर है वो एसजीएसटी टैक्स का है तो एसजीएसटी टैक्स का भी लेजर हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो सेम हम इसी को ही कॉपी कर लेंगे यहाँ से क्योंकि सेम फिगर है और सेम ही डेट और पर्टिकुलर भी है। और उसके बाद में जो लास्ट लेजर बच गया वो श्री श्याम ट्रेडर्स का और इसकी जो वैल्यू वो 48,200 रुपये है। तो हमने श्री श्याम ट्रेडर्स का भी लेजर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो श्री श्याम ट्रेडर्स का लेजर भी यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जून 2021। अब पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका, अगर हम क्योंकि अब हमारे पास मल्टी परचेज है जीएसटी 12, 18, 28 की या 5 की या एग्जाम्प्ट भी हो सकती है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर केवल इनवॉइस नंबर हम लिख सकते हैं 655 पर, क्योंकि इनवॉइस नंबर लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा भी इस गुड्स इतने नंबर इनवॉइस से हमने कोई गुड्स परचेज किया हुआ है। और 48,200 रुपये अब इनके क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखे जाएंगे क्योंकि ये हमारी जर्नल एंट्री भी क्रेडिट के साइड में ही इनकी जो वैल्यू है वो क्रेडिट साइड में लिखी हुई है और लेजर में हम यहाँ पर उसको क्रेडिट साइड के कॉलम में ही लिखेंगे 48,200। और यही इनका इनवॉइस था श्री श्याम ट्रेडर्स का और ये 48,200 रुपये की इनवॉइस की वैल्यू थी और बाकी का जो हमारी परचेज वैल्यू थी ये परचेज 12% की है, ये 18% की है और ये 28% की है। उसके बाद में ये सीजीएसटी टैक्स है और ये एसजीएसटी टैक्स है। तो इन सभी की जर्नल एंट्री हमने प्रीवियस वीडियो में बना ली थी और आज की वीडियो हमने इसकी जर्नल एंट्री से लेजर में एंट्री कैसे करते हैं ये हमने सीखा है। तो क्योंकि दोस्तों हमने ये इस वीडियो को हम मैनुअली इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि जितने भी लेजर जो हम वाउचर यहाँ पर जो तैयार कर रहे हैं और जितने भी हमने लेजर और जर्नल एंट्री हमने तैयार करी है, इन सभी को जर्नल इनको जो हमारे पास वाउचर है इनको हम टैली सॉफ्टवेयर में या फिर बिजी सॉफ्टवेयर में अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इनकी एंट्रियाँ करके देखेंगे। और बाद में हम जो हमने मैनुअली लेजर्स और मैनुअली जो कैश बुक और जर्नल बुक हमने तैयार करी है उनके साथ आपको टैली करके दिखाएंगे भी। अगर हमें कोई मैनुअल बुक से कंप्यूटराइज्ड बुक्स करनी पड़े और दोनों को बाद में आपस में मिलान हमें करना पड़े तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।